हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज आप सबके चाहिए रिकी आ गए हमारे पास, तो आप लोग रेडी हो एक नए मैथ मैजिक के लिए। तो रिकी आज होगा एक मैथ मैजिक, तो तुम रेडी हो? ठीक है, बहुत दिनों के बाद, तो उठा लो अपना कॉपी और अपना पेन, और मुझे कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ। तो रिकी कोई भी दिमाग में जो कोई एक नंबर है उसको इधर लिख दो, कोई भी एक नंबर हो, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, 4 डिजिट का, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो उधर लिख दो। हो गया। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब गुणा कर दो, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। तो हो जाने के बाद मुझे बोल देना। हो गया। तो अब आंसर आया है, तब उस आंसर के साथ तुम्हें एक रैंडम नंबर मैं तुम्हें जो दूंगा 68 को ऐड कर दो। ठीक है, 68 उसको प्लस कर दो उस आंसर के साथ। तो दोस्तों मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा, फिर भी मैं अपना सर नीचे कर लेता हूं जिससे आप लोगों को कुछ भी ना संदेह हो। हो गया। तो उस तुम्हें एक आंसर आया है, मुझे पता नहीं क्या। तो उस आंसर से तुम 4 माइनस कर दो, 4 कोई भी रैंडम, मतलब ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं ऐसे रैंडम लिख करके मैं कुछ कर पाता हूँ कि नहीं। तो दोस्तों गौर से देखिए, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखना जिससे हो गया। तो अब तुम्हारे पास जो आंसर आया है उस आंसर को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब भाग कर दो। ठीक है, तो कर दो, हो जाने के बाद मुझे बोल देना, और बड़ा बड़ा लिखना जिससे सबको दिखे। तो दोस्तों रिकी ने जो नंबर सोचा था मुझे पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं अब वो क्या कर रहा है, वो भी मुझे पता नहीं। ठीक है, आई होप वो सब ठीक करेगा, तो मैं उसके बाद उसका दिमाग पढ़ के कुछ बोलने का ट्राई करूंगा। तो गौर से देखिए इस मैजिक को। हो गया। तो अब तुमको डिवाइड करने के बाद एक आंसर आया है। ठीक है, तो आंसर से उस आंसर को लिखो पहले, आंसर से तुम पहले जो नंबर सोचा था तुमने, पहले एकदम पहले मैजिक शुरू होने से पहले जो पहला नंबर, उस नंबर को माइनस कर दो। ठीक है, उस नंबर को माइनस कर दो, और हो जाने के बाद जो आंसर आएगा तुम उसको सर्कल कर देना। ठीक है, उसको एकदम गोल सर्कल कर देना। हो गया। उस नंबर को गोल सर्कल कर दिया है। हाँ। ठीक है, अब कॉपी को ऐसे ही पकड़े रखो। ठीक है, अब मेरी तरफ देखो, तुमने जो नंबर सोचा, जो तुमने आंसर आया है उसको बार बार दिमाग में सोचो, जो तुम्हारे लास्ट में जो आया है। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा जो आंसर आया है एकदम लास्ट पूरा मैथ करने के बाद वो है 32। तो दोस्तों देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए 32 को उसने सर्कल किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो एक लाइक, और कमेंट में बताइए कि इतने दिनों के बाद रिकी को देख के आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे ये मैजिक होता है और आप लोग कैसे कर सकते हो। दोस्तों इस मैजिक का सीक्रेट है बहुत ही सिंपल, सच में बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब मजेदार। आप लोग मुंह में ही कर सकते हो ये मैजिक। ठीक है, इसको कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी को ओवर फोन भी ये कर सकते हो सच में। तो इसका रूल है, मैंने जैसे जैसा बोला आप अगर वैसे वैसे करोगे तो आपका जो मतलब जो लास्ट में आंसर आएगा वो है आप जो नंबर दिए थे ऑडियंस को उसका हाफ, ऑलमोस्ट हाफ, क्योंकि मैंने इसमें एक स्टेप बढ़ाया है। इस मैजिक में मैंने जो 4 माइनस करने के लिए बोला था वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने नंबर ऑडियंस से नंबर सोचा है 100। ठीक है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देने से हो जाता है 200। ठीक है, अब उसके साथ मैंने बोला था 68 ऐड करने के लिए, 68, तो अब आंसर आएगा 268। ठीक है, अब इसको मैंने बोला था कि इसे 4 माइनस करने, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं। तो इसका जो एक्चुअल नियम है वो है इसके से, इसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा दोस्तों, 134। ठीक है, ये आएगा आंसर। अब पहले वाले नंबर से, इस नंबर से अगर पहले वाले नंबर को हम लोग माइनस करें तो आंसर आता है 34, जो कि है 68 का एकदम हाफ। ठीक है, अब ये तो एक ऑब्वियस है, तो इसीलिए मैंने इस मैथ को बढ़ाया है, आप भी बढ़ाइए। इससे क्या होगा, लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हुआ। ठीक है,
मैं एक बार जैसे कर देता हूँ, 100 उसके साथ फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पर यही होता है 200, उसके साथ 68 को ऐड करना पड़ेगा 268। अब मैंने बोला कि 4 माइनस करो, दोस्तों ये एक सिंपल है, आप इसको दिमाग में ही कर सकते हैं। 6 4 कुछ भी माइनस करने के बोलिए, 4 माइनस करने के बाद हो जाता है 264। तो अब सोचिए, मैंने 68 दिया था, बोला था ऐड करने के लिए, उसे 4 माइनस करने के लिए बोला, मतलब मैंने ऑडियंस को कितना नंबर दिया है, टोटली 64 दिया है, तो आंसर लास्ट में 32 आएगा, ठीक है। यही अगर आप इसको माइनस करने के दिमाग में सोच लीजिए कि आपने ये स्टेप अगर आप बढ़ाएंगे, आप अगर ऐड करेंगे तो सोच लीजिए आपने जो नंबर दिया है उससे ये माइनस करने के बाद कितना रहता है, उसका आधा ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, 264 इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 132 आएगा। अब 132 से 100 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 32। समझ गया दोस्तों, तो यही है एक्चुअल मेथड जो आप लोग आप देंगे सोचने के लिए, ऐड करने के लिए, उसका आधा आंसर आएगा। अब अगर आप एक स्टेप बढ़ाएंगे तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि मैंने इतना दिया था, फिर मैंने एक स्टेप बढ़ा के इतना माइनस करने के लिए बोला, तो अब मैंने दिया है ये और इसका आधा यही है। दोस्तों आप लोग समझिए होंगे, आप लोग स्मार्ट हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। कमेंट करना बहुत ही जरूरी है किसकी, क्योंकि यही एक मेथड मतलब एक तरीका है आप लोगों से बात करने का, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही औसम मैजिक सीखते रहिए।